तो वर्तमान समय में पानी दूषित होता जा रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसको लेकर रीजनल वाटर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया है। रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर पानी से हो रही समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश हुई। क्या कुछ समस्याएं हो रही है, इस पर मंथन किया गया। रीजनल वाटर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वाटर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन आप लोगों द्वारा किया गया, क्या कुछ मकसद है? इसका मकसद है, पानी की जो समस्या आज झारखंड में और पूरे देश में एक बृहद पैमाने पर देखा जा रहा है, उस समस्या का कुछ समाधान निकले। जैसे कई सारे स्पीकर्स ने देखा, आपने कहा भी कि रांची शहर में ही आज टैंकर से पानी दिया जा रहा है। रांची की हालत ऐसी हो गई है जिससे कि नीति आयोग बोल रही है कि ये भी डे जीरो का गवाह में आके खड़ी हो जाएगी। इसी तरह झारखंड के कुछ नहीं थे, 21 ऐसे शहर है जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इसीलिए सूडान और यूएसएड ने मिलकर एक ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हम जैसे जो अमृत 2.0 के जो विनर थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के तरफ से जो प्रोग्राम किया गया था, तो झारखंड से एकमात्र हम लोग एक्वालाइन भूमि ही जीते थे उसको। तो हम लोग को भी इन्होंने बुलाया है यहाँ पे स्पीकर के तौर पे और सॉल्यूशंस को बताने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि नगर निगम के भी अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा नगर आयुक्त वगैरह बैठे हुए हैं, मुकेश जी बैठे हुए हैं, सब सीनियर आईएएस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स से भी लोग आए हुए हैं, तो पूरे अलग अलग स्टेट से भी लोग आए हैं। दे वॉन्ट सोल्यूशंस एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट सोल्यूशंस, वी वॉन्ट टू गिव द सोल्यूशंस टू पीपल, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द रीजन दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज, दिस प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज। वर्तमान समय में पानी की स्थिति है वो बेहद ही खराब होने के कगार में है, प्रदूषित हो जा रही है, और ऐसे मौके पर आप लोग अभी वाटर कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया, क्या कहें? दरअसल अभी हम हैं रांची में, तो एक छोटी सी मार्मिक माँ गंगा की वेदना है, रांची की गंगा, तो उस पर मेरा यह है कि देश की गंगा को बचाने या स्वच्छ करने से पहले, देश की गंगा को बचाने या स्वच्छ करने से पहले अपने राज्य की गंगा, अपनी शहर की गंगा, अपने गांव की गंगा को स्वच्छ कर दें, तो ऑटोमेटिक हमारे देश की गंगा स्वच्छ हो जाएगी। अभी हम जहां हैं रांची में, रांची की गंगा, रांची की हमारी पांच माताएं हैं, वो है हरमू, स्वर्णरेखा, जुमार, सपही, पोटो, ये रांची की पांचों माताएं बिलख रही है। इसका रुदन वेदना ऐसा है जिसके हृदय से बहता था अमृत, आज बीस बह रही है, जिसके रेत से निकलता था सोना, कीचड़ में तब्दील हो गई है, ये माँ बिलख रही है, इसकी आंसू पोंछने की जिम्मेदारी किसकी? आज ये पांचों नदियां की पानी कहाँ जाती है? रूका डैम, और वही रूका डैम से आपकी वाटर सप्लाई होती है। जमीर पर हाथ रख के सोचे कि हम पहले पीते क्या? आज मित्रों जहाँ जितने भी बीमारी पैदा हो रहा है, 50% डिजीज पानी के चलते हो रहा है, 25% डिजीज पेस्टिसाइड के चलते हो रहा है, एंड 25% एक्सीडेंटल हो रहा है। इसका मैंने सोल्यूशन दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर नॉट हार्वेस्टिंग। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, अगर कमी यहाँ है तो प्रबंधन की कमी है। हमारे पास बहुत से बेसिक टेक्नोलॉजी है, हमारे रांची की जो बनावट है, मैं इस रांची को जो 1400 मिलीमीटर प्रति वर्ष हमारी वर्षा होती है, यहाँ पर की जो व्यवस्था है गुरुत्वाकर्षण से हम यहाँ पानी दे सकते हैं, यहाँ पानी की कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी है। तो सबसे पहले हम सही प्रबंधन करें, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करें, जो मैंने नाली बनाने का कॉन्सेप्ट दिया था वर्षा जल बहने के लिए, गंदा जल बहने के लिए नहीं, ये गंदा जल जो हमारे नदियों में जाती है उसका हम कैसे कॉन्सेप्ट को करें। इसलिए देश की गंगा को बचाने से पहले अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर की गंगा को स्वच्छ कर दें, ऑटोमेटिक हमारे देश की गंगा स्वच्छ हो जाएगी। और ये माँ की वेदना है, मेरी वेदना नहीं है, ये रांची की माँ की वेदना है। इसका कई सॉल्यूशंस हैं जो मैं आज इस मंच पे मैं अपना वक्तव्य देने के लिए आया हूँ और एक संदेश देने के लिए। इसी के साथ मैं आप सभी है कि देश की गंगा को बचाने से पहले अपने गांव की गंगा, गांव की गंगा अगर स्वच्छ हो जाएगी, ये पांचों नदियां के पानी जो रूका डैम जाती है, मैं मित्रों बताऊं, ये गांव वाले
अन्न देते, फल देते, सब्जी देते, मछली देते, गर्मियों में जब पानी का संकट होता टैंकर से पानी देते, बदले में क्या देते हैं? खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, शहर का जहर, शहर का मलमूत्र गांव वालों को क्यों? तो कम से कम इस वेदना को, तब हम जाके स्वच्छ भारत मिशन का हम सपना देख सकते हैं, नमामि गंगे का हम सपना देख सकते हैं, हमारी गंगा स्वच्छ हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। वाटर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में आप लोग पार्टिसिपेट किया है, इससे क्या कुछ एम है? ओके, सी दिस वाटर सिक्योरिटी प्रोग्राम विच इज ऑर्गेनाइज बाय यूएसएड, केपीएमजी एंड सूडा हियर इन झारखंड। This aim is to sensitize people, bring more knowledge through experts, and put water uses optimum through 24/7 water treatment projects, and also go for recycle reuse of sewerage treatment plants. So sewerage will be recycled, that is what multiple presentation we had today. How to convert intermittent water supply system to 24/7 water supply system for better efficiency, better quality water services to residents of Ranchi and Jharkhand. So these are main key takeaways from this event, and I hope all stakeholders will benefit from this.